नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम जो है आपका 1 नवंबर, तो आज हम चलेंगे करंट अफेयर्स पर। यह है एग्ज़ाम बूस्टर नंबर 9 और इसमें हम लेकर आए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसके आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं 2019 और 2020 के जो करंट अफेयर, 2 साल के, क्योंकि करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हिमाचल के हर एग्ज़ाम में। और उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को हैप्पी दशहरा। और मुझे उम्मीद है इस दशहरा या आपका दशहरा बहुत अच्छा होगा और आने वाला जो साल है उसके लिए जो भी आपने कुछ विश कर रखी होगी, भगवान वो सभी आपके लिए पूरी करे। तो चलते हैं हम अपने करंट अफेयर्स पर। मेरा नाम है संदीप और आप देख रही हैं स्टडी दर्शन। जी हाँ, चलते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल फ्रॉम। भारत सरकार ने परिष्कृत पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इनमें आपके आगे 4 ऑप्शन है, किस देश पर बैन कर दिया है पाम ऑयल पर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ग्वाटेमाला या कोलंबिया। तो आपके आगे 5 सेकेंड है, आप जल्दी जल्दी लगाइए और टोटल बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ताकि आपको भी पता चल सके आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मलेशिया इज द राइट आंसर। इस कंट्री पे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण में जो अदृश्य निर्माण के माध्यम से धन सृजन पर चर्चा की है, तो किस पर चर्चा की गई, मार्केट पर, सेकंड लेबर इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर, थर्ड कैपिटल या फोर्थ इनोवेशन इन प्रोसेसिंग। तो देखिए, इस पर जो बात की गई वो है हमारा ऑप्शन 1, मार्केट। मार्केट इज द राइट आंसर। अब बात आती है वेल्थ क्रिएशन की। जी हाँ, अगर यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन की बात की जाए, जितनी भी आपको उन्नत इकोनॉमिक्स मिलेंगी, अच्छी आपको इकोनॉमी मिलेंगी, उनमें जो धन सृजन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है वो एडम स्मिथ, आपको पता होगा एडम स्मिथ कौन है, बहुत ही खतरनाक इकोनॉमिस्ट थे, उनके जो अदृश्य हाथ है, ठीक है, उसके दर्शन को निर्देशित किया जाता है, मतलब एडम स्मिथ की ही ये वेल्थ क्रिएशन थ्योरी है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। 15th फिनांस कमीशन रिकमेंडेड। देखिए, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को शुद्ध केंद्रीय कर राजस्व के विभाज्य पूल का कितना प्रतिशत देने की सिफारिश की है। इसके लिए वर्ष 2015 से 21 की पहली और अंतिम रिपोर्ट की बात भी आ गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, बिल्कुल सही जवाब, 41% इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है ताकि आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। देखिए, यह जो हमारा 15th जो अब बना है हमारा, जो भी इससे पहले था 14th वित्त आयोग, उसके 42% के अनुशंसित स्तर से 1% ये कम है, क्योंकि अब 41% है। और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करने के मद्देनजर किया गया है, जिसने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को विभाजित किया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4th की ओर। 11 जनवरी 2020 को शुरू किया गया मिशन पूर्वोदय किससे संबंधित है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है पूर्वोत्तर राज्यों का समग्र विकास, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास, और यहाँ पर थर्ड की बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र में इस्पात क्षेत्र को मजबूत करना। जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्टील से रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है ईओ में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के एग्जाम में। और जो लास्ट वन है, 4th वन, वो है आपका NE, मतलब नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जैविक खेती का विकास करना। तो इसमें कौन सा है जो मिशन पूर्वोदया या पूर्वोदया जिसे हमने बोला है उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन जो थर्ड है, पूर्वी क्षेत्र में इस्पात क्षेत्र को मजबूत करना, ये यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था। चलते हैं हम अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही कोड को चुनिए। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना, जो कि 1 जनवरी 2013 को पायलट आधार पर
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई। सेकंड, डीबीटी जेम ट्रिनिटी पर बहुत अधिक निर्भर है। तो इसमें आपने बताना है कौन सा कोड सही है और कौन सा नहीं। तो जी हाँ, अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसके जो आंसर होंगे आपके ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ऑप्शन वन एंड टू बोथ आर कोरेक्ट, दोनों के दोनों सही जवाब हैं इसके। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि 2900 टन से अधिक अनुमानित गोल्ड का भंडार पाया गया है, कहां पर पाया गया है? आपका ये चार ऑप्शन है, सोनभद्रा, यूपी झांसी, यूपी पन्ना जिला, एमपी या गुलबर्गा जिला कर्नाटक। तो जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर मिला है। अब थोड़ा इसके डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं। इंडिया की बात की जाए, यूपी भू विज्ञान और खनन विज्ञान के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में सोना पहाड़ी और पिछड़े सोनभद्र जिले के हरदी ब्लॉक में कुल 2944 टन वहां सोने का भंडार पाया गया है। तो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में सोना जो गोल्ड है वो ना के बराबर ही रह गया था। कर्नाटक में एकमात्र इसकी कोलार माइंस है जहां से बहुत ज्यादा गोल्ड निकाला जाता था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की एरियाज ऑफ ODF प्लस स्कीम, ODF प्लस जो योजना है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो चलते हैं हम इसके चार ऑप्शन जो है। तो फर्स्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, सेकंड है बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, थर्ड है पशु अपशिष्ट प्रबंधन, और फोर्थ आता है आपका, जी हाँ जो इसका फोर्थ है, ग्रेहाउंड प्रबंधन, और फिफ्थ फाकल कीचड़ प्रबंधन। तो ये टोटल है, मैं आपको हिंदी में इसकी टोटली बताई ताकि किसी भी हिंदी मीडियम बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब बताना इनमें से हमारे कौन से सही है। तो ये आपके ऑप्शन है, ओनली 1, 2, 3 एंड 4, 2, 3 ये जितने भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन थर्ड, 1, 2, 3, 4, 5 सभी के सभी सही हैं। आप फिर से नज़र मार लीजिए एक बार ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से सही हैं। ये देखिए, पहला बिल्कुल सही है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा बिल्कुल सही है बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और फिजिकल सॉल्यूड मैनेजमेंट। ये चार पांचों के पांचों जो आते हैं ODF प्लस स्कीम के अंदर आते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कैटरीना, अगर यहाँ पर बात की जाए, कैटरीना स्किलोपोलोड की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। जी हाँ, 21 कंट्री की चुनी गई हैं पहले पे। तो आपको पता होगा वहाँ पर, अगर आपने मूवीज में देखी हो चलते चलते में खासकर, जहाँ पे सब कुछ ही वाइट ही वाइट नजर आएगा, वाइट घर के आसपास, तो वन एंड ओनली ग्रीस। तो ये ग्रीस की चुनी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट लेडी है ये वहाँ की जो प्रेजिडेंट बनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंडिया रैंक ऑन EIU's ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो 2019 जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी है? देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए, इंडिया होना चाहिए हमेशा फर्स्ट नंबर पे, आपको पता है, जो याद करने का तरीका भी याद रखना। तो बस इसको याद रखना, तरीका सिंपल सा, 51st, ये लीजिए, इस नंबर पे आया ये कंट्री। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है फर्स्ट नंबर पे कौन सी डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन टॉप पर है 2019 में, 19 के इंडेक्स में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन WEF 2020, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भी इंडिया की जो रैंक आई है वो आई आपकी ऑप्शन थर्ड, 76 रैंक, दिस इज द राइट आंसर। देखिए, इंडेक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा का मतलब आते ही आते हैं दो तीन क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से करके जाना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 2020-21 के लिए भारत नेट प्रोग्राम जो है उसका आवंटन क्या है? आपके आगे चार ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर आएगा आप देख सकते हो यहां पर, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 6,000 करोड़ या 4,000 करोड़। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है, 6,000 करोड़ इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये जो कैंपेन है, अभियान है, इसका उद्देश्य किस वर्ष तक जो टीबी है उसको समाप्त करना है? तो जी हाँ, 2025, 2030, 2035, 2040, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है 2025, 2025 तक का लक्ष्य है कि टीबी को हमने जड़ से खत्म कर देना है। चलते हैं अपने 13th क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 2020-21 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो क्या किया गया है? 15,00,000 करोड़, 14,00,000 करोड़, 13,00,000 करोड़ या 12,00,000 करोड़? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है 15,00,000 करोड़। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण जो एग्रीकल्चर ऋण है ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की और, वो है क्वेश्चन नंबर 14। एज पर द प्रोविजन ऑफ यूनियन बजट, ठीक है जी, तो ये क्या है क्वेश्चन,
केंद्रीय बजट 2020-21 के प्रावधानों के अनुसार एस्पिरेशनल इंडिया के घटक हैं। तो ऑप्शन है आपके आगे एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स। तो आपके कौन कौन से हैं? Only one and two and three, आप सभी को पता होगा, जब भी इस टाइप का आ जाए कि जिसमें ऑल हो तो 99% चांस होते हैं वही आंसर होगा, तो इसका आंसर भी थर्ड है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। इंडिया टॉप फाइव ट्रेडिंग पार्टनर्स, भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक जो है भागीदार, वो कौन से हैं? इसमें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही एक किस्म का, क्योंकि पहले चाइना हुआ करता, अब यूएसए हो चुका है, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरब एंड हांगकांग। तो आपका जो फर्स्ट है दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2025 तक जो यूएस है वो $5 trillion की जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी सुविधाओं पर लगभग डैश खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए करने की आवश्यकता है। तो कितनी आपके आगे ऑप्शन है यहां पर, $1.02 trillion, $1.40, $1.52, $1.79। तो इसका जो आंसर है ये देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका है आपका ऑप्शन टू, $1.40 trillion ये डॉलर है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2025 तक जो यूएस है वो 5 trillion की जीडीपी आपको पता ही प्राप्त कर लेगा, लेकिन भारत को बुनियादी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार करने के लिए वो इतनी आवश्यकता होगी ताकि हम उस तल तक पहुंच सके। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का सब्जेक्ट क्या है या थीम क्या है यहाँ पर बात की जाए, तो इसका जो आंसर है वो है आपका, सीधे आंसर पे चलते हैं, आपका आगे चार ऑप्शन है, जी हाँ, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपका ऑप्शन थर्ड। इसको मैं हिंदी में पूरा ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाजार को सक्षम करें और अर्थव्यवस्था में प्रो बिजनेस नीतियों को मजबूत करें, ये है इसका बिल्कुल सही आंसर, और ट्रस्ट को मजबूत करें। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये किस स्कीम से रिलेटेड है? हाँ जी, विवाद से विश्वास योजना, ये किससे संबंधित है? आपका डायरेक्ट टैक्सी से, इनडायरेक्ट से, ए और बी से, नाइदर ए और नाइदर बी। तो जी हाँ, ये जो स्कीम है ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस, विवाद से विश्वास, तो इससे जुड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। 2019 में ग्लोबल टॉप 100 बैंकों में किस देश के बैंकों की अधिकतम संख्या है? तो किस देश में बैंकों की अधिकतम संख्या होगी? यूएसए, जापान, चाइना, फ्रांस, तो इन चारों में से इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, चाइना। देखिए चाइना में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, चाइना का एरिया भी ज्यादा है देखा जाए तो, ठीक है, रशिया के छोड़ दिया जाए, कनाडा को छोड़ दिया, इसमें वही ऑप्शन नहीं है, और इसलिए चाइना इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ थैलिनोमिक्स जो है वो किसके द्वारा, उसमें क्या प्रस्तुत किया गया है? भारत में जो थैलिनोमिक्स की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो प्रस्तुत की गई है किससे रिलेटेड? द यूनियन बजट 2020-21, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। तो ये है, इससे जुड़ी हुई आप ध्यान रखना इस बात का, कॉन्सेप्ट ऑफ थैलिनोमिक्स। चलते हैं हम 21st क्वेश्चन पे। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार अवसंरचना क्षेत्र में उद्यमशीलता की गतिविधि राज्य में सर्वाधिक है, वो किस राज्य में सर्वाधिक होगी? आपके आगे चार ऑप्शन है, झारखंड और बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम एंड जम्मू कश्मीर। तो ये तीन किस्में होंगी, तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट, टू, वन एंड टू, वन टू एंड थ्री, या ऑल। तो देखिए इसका जो आंसर होगा या फोर्थ है, ओनली थ्री, तो इसका कौन सा आंसर है बिल्कुल सही? तो आपको बता दिया जाए, इसका जो आंसर है झारखंड और बिहार, दिस इज द राइट आंसर, और इसमें अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी है, मिजोरम और जम्मू कश्मीर भी है, इट मींस ऑल ऑफ दीज आंसर, सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। ऑन 17 जनवरी 2020 को 29वें सरस्वती सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो ईश्वर मुरजनी, पेन्ना मधुसूदन, वासुदेव मोही, या निलबा ए खंडेकर। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है वासुदेव मोही, वासुदेव मोही इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली आरबीआई, हाल ही में आरबीआई ने अमेरिका के ऑपरेशन ट्विस्ट के इंडियन जो संस्करण है उसकी घोषणा की। तो क्या है ये? टू ब्रिंग डाउन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, टू रिड्यूस एनपीए, टू इंप्रूव द मैनेजरियल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका दीर्घकालीन ब्याज दरों को नीचे लाने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, दिस इज द राइट आंसर, यही है आपका अमेरिकाज ऑपरेशन ट्विस्ट। चलते हैं हम आगे। वेयर डिड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इनॉग्यूरेट फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट? तो ये कहां पे लगा दिया गया है? आपके आगे चार ऑप्शन है, तो ये है सिल्क का नेचुरली गुजरात ही होगा, गुजरात में सुरेंद्र नगर, ये दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में छोटे पैमाने पर पानी से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सामग्री विकसित की है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी गुवाहाटी? तो इसमें जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका आईआईटी गुवाहाटी इज द राइट आंसर। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने क्या करके दिखाया, जो आईआईटी के गुवाहाटी आईआईटी के शोधकर्ता रिसर्चर, उन्होंने हाल ही में छोटे पैमाने पर बहुत ही स्मॉल स्केल पर पानी से मतलब ऊर्जा का उत्पादन, मतलब आपको पता होगा कि टर्बाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही कम पानी से ऐसा करके दिखा दिया है। चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है नोबेल प्राइज रिलेटेड। 2019 नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के लिए को उनकी खोजों के लिए विलियम केलिन, ग्रीग सेमेंजा और पीटर रेडक्लिफ को सम्मानित किया गया। अब बात आती किस चीज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, किस चीज के लिए दिया गया? आपके आगे चार ऑप्शन। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है आणविक लय को नियंत्रित करने वाले आणविक तंत्र के लिए, मैकेनिज्म फोर ऑटोफैगी के लिए, ऑप्शन थर्ड मलेरिया के खिलाफ एक बात की जाए उपन्यास चिकित्सा, और लास्ट वन है कैसे सेल भावना और ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए अनुकूल है। तो जी हां, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपका ऑप्शन फोर्थ, हाउ सेल सेंस एंड अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इन ऑर्डर टू फोरे क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक ने अगस्त 2019 में डैश के साथ साझेदारी की, तो किसके साथ की? आपके आगे वही चार ऑप्शन, और इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये बताना है जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये किस कंट्री से रिलेटेड है। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने भारत के बीच पहली बोध सर्किट ट्रेन अक्टूबर 2019 में स्टार्ट की थी। किस किस के बीच स्टार्ट की या कहां की ओर? अगर बात की जाए बोध सर्किट ट्रेन, भूटान, जापान, म्यांमार और नेपाल। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है बोध सर्किट नेपाल, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। तो ये थे, आपको स्टूडेंट कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, जो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।